हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें अभी मंच पर आपने देखा। इसके साथ ही गोरखपुर की 330 स्मार्ट क्लासेज को शुभारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र वितरण का एक कार्यक्रम है और प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज में, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेजेज में या सरकार के द्वारा अनुदानित अशासकीय इंटर कॉलेजेज में भवन निर्माण के लिए सरकार के अनुदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक नया अभियान है। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रदेश भर के हमारे सभी जो संस्थाएं आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है, उसके भी प्रधानाचार्य, वहां के छात्र छात्राएं भी होंगी। इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों छात्र छात्राओं को जो इस अभियान से लाभान्वित होने वाले हैं, विद्यालयों को, उनके शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को और शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तीन प्रकार के जो कार्यक्रम है, जिसमें पहला मैंने बताया कि टैबलेट और स्मार्टफोन, 2021 में, नवंबर 2021 में हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था। इसके पीछे का उद्देश्य था कि हम प्रदेश की अपनी युवा शक्ति को डिजिटली सक्षम बना सके। किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। खासतौर पर जो चुनौती हमारे सामने आती है, वह चुनौती होती है जैसे इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी कोरोना। कोरोना में स्कूल कॉलेज बंद हो गए, ठप हो गए, पठन पाठन बंद सा हो गया। उन स्थितियों में कैसे हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं? तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन दिया था कि अगर फिजिकली प्रेजेंस होना कठिन है तो हम लोग तकनीक का उपयोग करें, वर्चुअली। लेकिन इसके लिए भी दो चीजें महत्वपूर्ण थी। एक, अगर विद्यालय से वर्चुअली क्लास लेनी है तो उनके पास स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए और दूसरा, वहां पर इंटरनेट की सुविधा के साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करें कि जिसको घर में बैठे बैठे इस सुविधा का लाभ लेना है उसके पास टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20 लाख से अधिक छात्रों को अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का काम किया है, जिस क्रम में आज गोरखपुर में भी 4000 से अधिक विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बिना भेदभाव के हर युवा को, जिससे वह तकनीकी दृष्टि डिजिटली अपने आप को सक्षम कर सके। आप इसमें देखेंगे आपके टैबलेट स्मार्टफोन में केंद्र और राज्य सरकार की, युवाओं से जुड़ी हुई सभी प्रकार की, छात्रों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं को उसमें जोड़ा गया है। आप अगर उस स्मार्टफोन और टैबलेट को देखेंगे तो उसके माध्यम से आपको केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाएंगे और उसके अनुरूप आप अपने आप को तैयार करके स्वावलंबन के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान देकर के
प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे पाएंगे। एक टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का एक कार्यक्रम, इसमें हमें 2 करोड़ युवाओं को इस योजना के साथ जोड़ना है और यूपी को डिजिटल इंडिया मिशन के साथ देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। और इसके लिए इस बड़े कार्यक्रम में आज मुझे गोरखपुर में इतने युवा विद्यार्थियों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्हें टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त हुआ है, उन सबको मेरी बधाई। जिन्हें नहीं प्राप्त हुआ है वे इंतजार करें, उनको भी इस योजना का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके लिए मैं अभी से उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा है स्मार्ट क्लास का। आपने देखा होगा 141 विद्यालयों के 330 क्लासरूम में आज एक साथ स्मार्ट क्लास की स्थापना का कार्यक्रम भी सीएसआर निधि से पैसा दिला रहे हैं। हर विद्यालय में 2-2 ऐसी क्लासरूम होंगी जिस क्लासरूम में हम लोग विद्यार्थियों को इसके माध्यम से जोड़ देंगे और इसका उपयोग तो बहुत अच्छा हो सकता है। अगर संस्थाएं चाहेंगी तो उस स्मार्ट क्लास के साथ डिजिटल लाइब्रेरी को जोड़ सकते हैं, अच्छे कंटेंट को जोड़ करके, अच्छा उस पाठ्यक्रम किसी भी पाठ्यक्रम से जुड़े हुए अच्छे कंटेंट को जोड़ देंगे तो विद्यार्थी उससे बहुत लाभ ले सकते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस को शासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजेस को और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी इस सुविधा से जोड़ने का कार्य हो रहा है। मैं इसके लिए अब अगर स्मार्ट क्लास हो, टैबलेट और स्मार्टफोन हो, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब कोरोना जैसी महामारी भी आपके पठन पाठन को बाधित नहीं कर पाएगी, उसका मुकाबला आसान।